Recording. जी रिकॉर्डिंग. नाउ आई एम हियर एट द एवेन्यू स्टूडियोज एट द ग्रेट ऑफिस ऑफ आगा जी.ए.गुल साहब, अल्लाह बख्शे. ही हैड मेड दिस ऑफिस इन 1956. जरा घुमा के दिखाएं, ये पूरी वुडन वॉल एंड दिस, ये जो बाहर का शीशा है जो जहां से नजर आता है, ये दो घोड़े ये भी उसी जमाने के हैं, सन 56 के हैं ये घोड़े, और वहीं बैठे हैं. और ये बाहर से यहां से आगा साहब देखा करते थे, क्योंकि मेन एंट्रेंस सामने थी कि कौन आ रहा है कौन आ रहा है. यहां शमीम आ रहा, वहीद मुराद, रानी वगैरह शूट कर रहे हैं सीन्स वगैरह. और ये जो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं, आगा साहब की तस्वीर है, जो एक लीजेंड है, इन्होंने बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ी है. एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेट ग्रेट पर्सन ऑफ पाकिस्तान हु हैज प्रमोटेड द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री टू अ वेरी ह्यूज एक्सटेंट. इनके सर बहुत सेहरा जाता है. ये इतना बड़ा इनके सर सेहरा जाता है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की किस तरह खिदमत की है. मैं इनसे 1961 में पहली दफा मिला, जब मैं अपने वालिद के साथ यहां आया था. तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो यहां आगा साहब इस सीट पे बैठे थे जिस पे मैं बैठ रहा हूं अब. और ये कंप्यूटर तो खैर उस वक्त नहीं था, लेकिन ये टेबल यही थी. और इन्होंने जो सामान रखा हुआ है टेबल पे, मुझे यहाँ के लोग बताते हैं कि सजाद गुल उनके साहबजादे जो हैं, उन्होंने उसी तरह इसको मेंटेन किया है. यहाँ बड़ी कमाल की बात है, और बड़े ताबेदार औलाद है उनकी, कि उन्होंने अपने बाप की लेगेसी को बरकरार रखा हुआ है. और सजाद भी कितना अच्छा काम कर रहा है कि कराची में भी एवेन्यू स्टूडियोज है और यहाँ भी है. और यहाँ का एवेन्यू स्टूडियोज जो है लाहौर का, तो ये हेरिडेटरी हो गया अब, इट्स एन हेरिटेज नाउ फॉर द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री. क्या क्या फिल्मों के मैं नाम लूं आपसे, सहेली, नायला, अंदली, उफ मैं नाम आपको क्या बताऊं, किस किस के नाम बताऊं. और वो जो रिकॉर्डिंग रूम है वहां, जिसकी मैंने वीडियो बना के लास्ट टाइम अपलोड की थी, वहां गाने कौन से नूरजहां के गाने, सुपर हिट सॉन्ग, फैज साहब आ रहे हैं, तनवीर नकवी आ रहे हैं, कौन कौन नहीं आ रहे हैं यहां बैठे. कतील शिफाई को वन ऑफ द रेगुलर विजिटर्स यार, यहां आके बैठते थे, गाने बना रहे हैं, क्या जो हम आज इंजॉय कर रहे हैं. तो जब गाने हम एंजॉय कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी याद करें जो उन्होंने हमें इतना खूबसूरत वक्त दे रहे हैं. इस वक्त के अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो पुराने गाने सुन रहे हैं, सानू नहर वाले पुलते पुला के, चंद माही किथे रह गया, और कितने मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नमांग, फैज अहमद फैज की गजल जो जिस तरह नूरजहां ने यहाँ रिकॉर्ड कराई थी रिकॉर्डिंग रूम में, ये सब चीज़ हम इंजॉय करते हैं. और इंजॉय जब करते हैं तो उन लोगों को याद रखना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ. इट्स माई प्रिवलेज टू बी हेयर इन द ऑफिस ऑफ आगा गुल साहब, अ ग्रेट लीजेंड, एंड ही इज लेफ्ट अ ह्यूज लेगेसी बिहाइंड, जो उनके औलाद बहुत अच्छी तरह शहजाद और सज्जाद पर्टिकुलरली रख रहे हैं बरकरार. एंड आई एम ग्रेटफुल टू सज्जाद, थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी टू डू अ बिट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑन माई ओन बेसिस. दिस इज नॉट कमर्शियल, बट आई विल अपलोड इट ऑन द यूट्यूब, दैट द पीपल, द पाकिस्तानीज living abroad or anywhere would see it and comment on it, okay, how great a work Agha Sahab had done, that we are now also I am here for a shoot of a TVC ad hai jiske liye main yahan aaya hu, and this is my first ever shoot at the Evernew Studios. And 61 mein jab main aaya tha, so I could have never thought ki main ek din aake yahan recording karunga. एक इश्तिहार की, एक कंपनी का इश्तिहार है, आप लोग बहुत जल्द देखेंगे पाकिस्तान की चैनल्स पे. सो आई एम हियर फॉर अ डे, एंड इट वाज अ प्लेजर टू अगेन टॉक अबाउट द एवेन्यू स्टूडियोज. ये बहुत तारीखी कमरा है, और मेरा प्रिविलेज है कि मैं इस सीट पे बैठा आगा साहब की, और अल्लाह ताला उन जैसी सलाहियतें मुझ में भी कुछ डाल दे, जो मैं अभी अपनी रिटायरमेंट तो क्रॉस कर गया हूँ, बट स्टिल मेरे अंदर विल बहुत है कि मैं आगे बहुत कुछ करूँ पाकिस्तान की तारीख पे, पाकिस्तान की पुरानी यादों पे. और मैं करता रहता हूँ, कई दफ़ा फेल होता हूँ, कई दफ़ा पास होता हूँ, आप लोग देखते रहें. थैंक यू वेरी मच. राजू जमील फ्रॉम लाहौर एवेन्यू स्टूडियोज, दिस इज द 11th ऑफ फेब 2011, एंड इट्स फ्राइडे.